नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम। सीआईबी इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। पेश करते हैं आज के बुलेटिन में देश और दुनिया की तमाम खबरें। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। आजमगढ़ जिले में मदरसों में मुस्लिम समुदाय में 15 अगस्त को लेकर काफी उत्साह रहा। मदरसों में जहां तिरंगा फहराया गया, वहीं बच्चों द्वारा राष्ट्रगान भी किया गया। लोगों ने कहा कि वह अपने वतन से बहुत प्यार करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फरमान कि 15 अगस्त के दिन भी सभी मदरसों में राष्ट्रगान होगा। फरमान के बाद आजमगढ़ जिले के मदरसों में इसका असर देखने को मिला। मदरसों में जहाँ झंडा फहराया गया, वहीं बच्चों द्वारा राष्ट्रगान भी किया गया। इस दौरान बच्चों में काफी उत्साह भी देखा गया। वह इस अवसर को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे थे। वहीं मदरसे के नाजिम ने कहा कि हिंदुस्तान का एक एक मुसलमान अपने वतन से बहुत प्यार करता है और देश की आजादी में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका भी रही है। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल, आज हमारे वतन अजीज हिंदुस्तान की को आज़ादी को 70 साल हो गए और इस मुनासिबत से हम अपने मदरसे में ये प्रोग्राम कर रहे हैं और भरपूर तरीके से कर रहे हैं। झंडा भी फहराया गया, कौमी तराना भी गाया गया और सारे जहां से अच्छा भी गाया गया। तो ये हमने प्रोग्राम यहां पर तरतीब दिया है जो हम मुसलमान ये साबित करने के लिए हम मुसलमान मुहिब वतन हैं, वतन दोस्त हैं और हमारे रग और रेशे में हुब वतन की सराहत किया हुआ है। हमारा मजहब हमको वतन से मोहब्बत सिखाता है, इसलिए एक एक मुसलमान हिंदुस्तान का एक एक मुसलमान वतन की मोहब्बत से सरशार है। अंकित सिंह, सीआईबी इंडिया न्यूज़, आजमगढ़।